और साल भी देते नहीं, उधर के साल भी देते नहीं, तुझे पुराने ही तेरे से पुराने कहे, कौन भी नहीं मेरे से पुराने वहाँ आता तो एडचा राजा एक था राजा, उन्होंने तो अब भी राबने में चते और छोड़े तो काटरुक में देवा, इन्हों तो पुराने रिटायर्ड वो को नहीं आते दराजाल को डीलिंग करता ले से स्टार्टिंग में 10 को ऑफर आया मान लिया था मैं चाहे भी 10 चीज पकड़ को दे थी, बढ़ते बढ़ते 15-20-25 यू इन्हें तिबेट जम का कॉलोनी का डेनी, इन्होंने सब भी बुला को मुझे बात करे एक दिन नहीं रहे तो लेट कर लग गया तो अभी बहुत लेट हो जाता तुझे क्या है सो बात कर को ये कर को कर ले जा रहे थे फोन दे दी जाओ उधर कर को जाको बैठ को बात कर रहा कॉलोनी में 25 को ऑफर है देख भाई ये साल दे डालती हूँ तुझे आप आई सच एक महीना टाइम हो क्या है सो बोले तेरी लिस्ट ऊपर रख डालती हूँ। अब मैं गई तो जान दे मंजे भी खर्च ब्याज बन बन को मर लू ना क्या भी दे डाल दे जाओ तो 10,000 घर को लाख दिया लाइन 60,000 हबीब ले जाओ अभी 1,00,000 का खर्च था मुझे बाद नहीं बात जाओ अगर शौहर सबको भी 30-35 साल से राबे हमारे शौहर नजीर अहमद जाको तबको भी पूछे उसकने जाको पूछने में लड़ाया पंचायतों करको गाली गलौज करको भेज डालिया बेचारा सबको 2-2 लाख देखो मंजे की 1,00,000 दे रही सो करको बोलने में गाली गलौज कराया उन्हें बेचारा कर दल को आको बीमार पड़े सो हर सर उठाई नहीं उन्होंने। कौन तुम्हारे शौहर है? नजीर अहमद। कौन गाली गलौज करके भेजा सो? जावेद खान। उस दिन नहीं बीमार पड़ गए? हाँ बीमार पड़ गए सो आको तभी से टटोल लेना शुरू करे सो बीमार तभी पड़े सो। अब तुम ना इंसाफ होना? हाँ मुझे इंसाफ होना। अब क्या कैसा इंसाफ होना तुम ना? कुछ क्या है सो हमारा भी सनत कर को सबको भी 2-2 लाख दिए हमारा भी सनत करो अब मेरी भी जिंदगी नहीं होना नहीं क्या करको पूछती हूँ। तुम ना तुम्हें कैसा बोल सकती है कि जावेद खान इस जिम्मेदार इसका बोल को? नहीं ना खड़को दिया सो पैसा जावेद खान से ना जाको नजीर अहमद पूछने में भी नहीं देता नहीं जी वते जी तुम्हारे जाओ जी करको लड़ाया पचन थान करको मारने मरने को ऐसा का हुआ आको ना तभी से बीमार पड़े से मेरे घर के अंदर और उन्हें सर उठाए नहीं। तुमने क्या होना? शोहर होना हमना इंसाफ होना क्या इंसाफ होना इंसाफ होना इंसाफ होना। किससे इंसाफ मांग रही तुम्हें? जावेद पाशा से कानून से कानून से इंसाफ होना इंसाफ होना। ये वीडियो जो है जोर जबरदस्ती करा कोई तुम्हारे पास? नहीं तुम्हारी मर्जी से वीडियो दे रही तुम्हें? मर्जी से हमारे कई को दे रही तुम्हें ये वीडियो? मुझे तकलीफ है तकलीफ आसान कर लेंगे कर को मैं ये कर रही हूँ सो। कितने साल से शोहर तुम्हारे काम करते थे वहाँ? 35-40 साल से भी वहाँ से थे काम वहाँ से करते थे सो काम जाते थे कर ले को निकल को आ जाते थे काम। तुमने बोले थे क्या इनो तुमने जावेद खान गाली गलौज कर गाली गलौज करे जावेद खान ने मारने मारने को आगा भाई करको मुझे आको तभी बोल को उन्होंने तब से दीवाना पना लिए सो और सर उठाई नहीं उन्होंने ऊपर छोड़ो मैं तबको भी बोली छोड़ो जी अच्छा हुआ कहाँ का लगे करको तबको भी मैं तसल्ली दी तो नहीं सबको मेरे आंखें के सामने 2-2 लाख दिए भाई मुझे ऐसा करे मुझे मैं 13 साल से रात को भी मैं एजस क्या रश्मि हमारे नौशिक तबियत अच्छी नहीं थी हॉस्पिटल को गए थे हमें बुलाले को उनको एक काम से आपको छाते का दर्द का है बुलाले जाको दवाई को गए हमें 30-20 से 25 हज़ार तक में खर्च करी उनकी तबियत आराम ही नहीं बस अच्छे छः एक दिन गए काम को उसके दूसरे दिन आपको छाते का दर्द करके फिर बोला उनको क्या करे बुलाले जब शाम को दवा ले लगा है उन्होंने गए हार्ट अटैक से मर के मर जाने में बाद आपको जावित करने वाला देखा भी नहीं करया भी नहीं अस्पताल का को भी देखा नहीं या घर को अभी नहीं मौता उठाने स्टेम को उन्होंने मौता को हमारे नौशो बोले थे 10,000 रुपये तो मौत मट्ठी को देती मेरे इन से देती को हमारे उन्होंने बोल कर हमारे नौशो बोल कर थे इन्होंने नहीं दिए खाली 5,000 रुपये हमने लगा को दिए उतना चाहिए सो बात 5,000 रुपये हमने लगा को दिए वो 5,000 रुपये मंगल हमें बैठ गए बाद हमें आ रहा क्या चुका है बाद बोले हमें इंश्योरेंस के पैसे इसके पैसे देना ना घुसट के यूनियन के पैसे देना था ना यूनियन के पैसे में से 80,00,000 रुपये देती का दल को उसमें हमने 80,000 रुपये दिए 80,000 रुपये दिए 20,000 रुपये किए तुम्हें नहीं दिए बोले में हमें कब की दिए थे किधर की दिए थे को बोल डाल को वो पैसे उन्होंने उड़ा डाले उस पैसे में क्या भी नहीं है को बोल डाले 3 महीने छोड़ को 80,000 रुपये हमने दिए और क्या किधर करको हम ना उन्होंने पूछे नहीं करे नहीं हमें चुप है गए जान दे छोड़ करको बोल को इतना हमारे पर निलम होको है। नमस्ते आज हमें सारे मेंबर
और गुच्छर के लोडर्स की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। मैसूर नगर रेलवे गुच्छर MNGT हमें बात कर रही हूँ। क्या वास्ते हमें बात कर रही हूँ बोले तो जावेद खान प्रेसिडेंट होंगे, इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है, इतना बड़ा फ्रॉड कर रही कि पूरे अजमेर को अब तक 11 साल से धोखा देने को चाको ही। धोखा किस किस में है तो अब देखो, हक की बात करेगा तो 6 महीने बाहर करती अजमेर नकोबा, 6 महीने का तो 1 महीना ये करती। कई को हक की बात करे बोल को, ये इंसान काम कर ले को था, अब हार्ट का प्रॉब्लम है तो ये इंसान को रिटायरमेंट पूछने के बावजूद ये इंसान को रिटायरमेंट नहीं दे रहा। कई को नहीं दे रहा है, मैं दे तू जा पैसे रखो भी यूनियन के, ये इंसान को रिटायरमेंट के पैसे नहीं दे रहा। ये इंसान क्या करता है, DC और कमिश्नर ऑफिस को जाको, वहां में एक सेगमेंट करती है, क्या कहते हो ऐसे इंसान को बहुत गलत हो रहा है, इनको रिटायरमेंट नहीं दे रही। बोल को देने के बावजूद भी स्टेशन में क्या था, मेडगली स्टेशन में क्या होता है, इनको बुलाती, जावेद खान को भी बुलाती, बुला को बोलती तू जा, जावेद खान क्या है सो कर को जाता तो टेंशन लेना कर को, स्टेशन में बोल को भेजती। स्टेशन में बोल को भेजने के बावजूद 4 दिन ये इंसान गुरशेट के ऑफिस के सामने सुबह के 9 घंटे से लेकर 4-4, 5-5 घंटे तक भी बैठ को है ऑफिस के अंदर, अब तक भी बुला को बात कर को नहीं। इतना घमंड, इतना अपनी रोडिज्म को, इतना 10-15 आदमी वो ले लोग, ये इंसान इतना सितम कर रहा आदमी के ऊपर। इसकी वजह क्या बोले तो बादशाहत, मई छलना मेरी चलना, मई सब कुछ करना। ये इंसान क्या करता है, आज से 11 साल पहले मैं USCPF बनाता हूँ बोल को प्रेसिडेंट होता ना, तब क्या करता है, ये सब हमें पेपर में देखो थे वो प्रेसिडेंट होता है इंसान। प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी क्या करता, आज तक भी USCPF बनाता नहीं ये। हाँ, USCPF बना को है, 20 जने को बना को है, कैसा बना को है, रेलवे गुच्छर मैन पावर के नाम से बना को है। अगर ये कॉन्ट्रेक्टर के हाथ में मिल गया तो कल के रोज हमें कॉन्ट्रेक्टर के पास हक भी नहीं पूछ सकते, क्यों हो गए तो ये इंसान ओनर हो गया है। रेलवे गुच्छर का मैं प्रेसिडेंट बोल को नहीं है, मैं ओनर, मेरे पीछे 300 आदमी काम कर रही। एक मामूली गुच्छर में राइटर, वो राइटर को क्या कर गया इंसान अपना मैनेजर बना लिया, मैनेजर बनाने को कई को ये सब बनाया बोले तो आदमियों को दिखाने के वास्ते, पूरा फ्रॉड होगा। ये इंसान चोरी करके रहा था, चोरी करके माफीनामा देख रहा था, मैं आज के बाद चोरी करता नहीं, मैं आज के बाद सही तरीके से यहाँ जिंदगी बसर कर ले गया तुम को। उसके बावजूद भी ये इंसान को क्या कर दिया, हमें सब मिलकर बहुत अच्छा इंसान बोल को हमें प्रेसिडेंट बना दी। क्या चोरी कर गई, सीमेंट चोरी कर रहे थे। बाद में ये आदमी गुच्छर का चोरी कर गोर दी, मतलब प्रेसिडेंट होने के बाद भी पट्टा चंदना चोरी करता है इंसान। ये कंप्लेंट हो गया बैंगलोर में, कंप्लेंट हो गया, आज को भी केस चल रहा गार्डन पे स्टेशन में आज को भी चल रहा। ये इंसान इतनी रोडिज्म करता है, हक नहीं पूछना, हक पूछेगा तो 5-6 महीने और नलडा कट कर डाल दो। ये वीडियो भी मेरे पास है, नलडा कट कर डाल दो, जान की धमकी यहाँ से भगा दल दो, गुरशेट के अंदर खदम नहीं रखना। किसका गुरशेट, गुरशेट में कितने लोग, 300 लोग रहने के बावजूद एक ही आदमी को 11 साल तक क्यों वो अहदे पर रहने देंगे रोडिज्म, कि वो वहाँ इलेक्शन नहीं होता क्या, नहीं हो रहा, इलेक्शन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वजह क्या कहते, 10-15 आदमी को इंसान ले लेगा क्या करता, 400-500 से 1000 रुपए इनको देता, उनको भी कुछ भी मालूम नहीं है, वो इंसान को भी 500 से 1000 रुपए देता। ये 500 से 1000 रुपए ने कैसा देता कहते हो, नहीं सर सुनो, गुच्छर का जो एसोसिएशन का जो तुम्हें नाम बोले, कौन सी भी एक एसोसिएशन रजिस्टर होना तो उसका एक बैला रहता है, बैला के अंदर रहता कि फलाने टाइम से फलाने टाइम तक कौन भी प्रेसिडेंट रहता है, उसके बाद में इलेक्शन होना जरूरी है। जब बैलास के अंदर लिखने के बावजूद तुम्हें लोग कैसा 11 साल छोड़ को दिए, 11 साल कैसा छोड़ को दिएगा, तो ये इंसान किसी की चलने नहीं जाता। अच्छा, कानून भी एक चीज है ना,
कानून को मानता नहीं है इंसान, उन्हें नहीं मानता। आप 300 लोग क्या कर रहे हैं, 300 लोग क्या कर रहे हैं, तो इंसान से ज्यादा 300 लोग। सब मैं बारे में बोलता हूँ, ये इंसान क्या करता मालूम, 10 से 15 आदमियों को रखो है, 10 से 15 आदमियों को रख ले, क्या करता है, जो भी हक की बात करता है, जो भी फलां फलां की बात करता है, ये इंसान को धमकाता है। कैसा धमकाता है, मारे आकर तो आदमी मान संभालने को चुपके रहता है, ये इंसान क्या करता है, पेट पर मारता है। कैसा पेट पर मारता है, अभी नो हक की बात करे कई को ये डिस्काउंट बोल को चलता, इसमें राजेश पिंडी और जावेद खान ये तीनों लोग मिलकर रहती, ये इंसान क्या करता, कई को ज्यादा पैसे ले रही, क्या वास्ते ज्यादा पैसे ले रही, इनको ये आदमी लड़ता। नासिर खान डैनी बोल को इनके ऊपर लड़ता, गाली गलौज करता, गाली गलौज करने के बाद क्या होता है, इनको दूसरे दिन ऑफिस को बुलाती, कई को गाली गलौज करा, क्या होता है, गाली गलौज वो आगे से कर को रहता उन्हें कि वो उनका खाने उनका पूरा बाहर निकल रहा बोल को उनको ऊपर ऑफिस के अंदर बुला को बात कर दी। ऑफिस के अंदर बुला को बात करने के बाद में 6 महीने इनको सस्पेंड कर दी, 6 महीने सस्पेंड कर दी, 6 महीने सस्पेंड करने के बाद में आदमी बोलती नको 6 महीने करो नको 1 महीना करो कर को बोलती। ये इंसान ऐसा डराता सो कौन भी आवाज दहशत फैला को राज कर रहा है, दहशत करा को मतलब ये राज कर रहा है। एक दूसरा देखो यहाँ ये पूरे इनके आदमी, किसके आदमी, जावेद खान के आदमी। अगर अब कई को तू देखा क्या लड़ाई हो, तुम्हें देखे क्या हो, देखा एक जना असलू बोल को जिना था, असलम बोल को उन्हें को बोलता नहीं इनकी गलती, तो जावेद खान प्रज्ञा के सामने बोलता तू था मैं बाहर खड़े को देखा, तो तू बाहर जा कि वो अगर तो हक की बात कर रहा है, हक की बात करे करेगा तो हक की जो उन्हें बोलता है जो उन्हें करता है वो कानून उस पर चलना, तो उसके वास्ते देखो 6 महीने। ये इंसान के घर में इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, छोटे छोटे बच्चे ही, बच्ची के एडमिशन को 25,000 बनना, पैसे बनना सब करना, अप्रैल को 25,000 डोनेशन बनना बच्ची के वास्ते, मेरा घर का मुझे छोड़े दूसरा काम नहीं है, इतना तकलीफ दे, इतने साल से काम कर रही सर आप, मेरी सर्विस 20-25 साल होगी, लोड रिचर है, 18 साल से कर रहा हूँ मैं, 3 साल तीन साल ये रेटर का काम करता था, उसके बाद छोड़ डाल मैं लोडिंग का काम करते रहा। अब इन्होंने जो इल्जाम लग रहे हैं आप उसके बारे में क्या बोलते हैं, सही डाल रहे हैं सर जो भी है, नो बहुत रोडिज्म कर रही है, किसे बात करे तो फिर डराना धमकाना ये कर रही है, 11 साल से भी ये कर लेता है, और किसे भी 11 साल से आदमी को भी अच्छा कर दूंगी, तो तुम्हें बोलने से देखे तो वो के फिल्म में दिखाया है, पैसा डरे हुए मजदूरा काम करते रहते हैं, क्या वैसी हालत देखे तुम्हारी, वैसी हालत बंदर बोलो वैसी हालत बना छोड़ा है, अब कुछ है तो अभी मुझे जीना ये क्या लेकिन बोलो ये गाड़ी लोडिंग डालने को गला का हुआ कलर को पैसा, ये गाड़ी ये 300 मुझे गाड़ी गाड़ी लोड डालने टेम्पो लड़ी हुई है, वो बोली सी नो ये गाड़ी डालने टेम्पो लोडिंग के टेम्पो ना है, इनमें हक पूछने में 3-3 डिस्काउंट आएंगे को कौन तो मैं बोला यूनियन को कितने बात डाल रही है 500 रुपए का 500 कई को बात है, अब 3-3 तुम्हें डिस्काउंट आप ना डेली कितने वेजेस से कितने पैसे मिलते डेली काम कर, हमें लोड क्यों डालती है होता नंबर हमारा सीरियल नंबर हम ना लोड इतने कर मिलती तीन मिलती है चार मिलती है सब कितना हमसे कितनी मिलती है आपको डेली 1,000 रुपए मिलती है 850 मिलती है जावेंड पैसा 1,500 भी मिलती है ज्यादा पैसा कम रहता है आप काम करते हो होता सीरियल नंबर को कितना काम होता होता शुरू था सब ये क्रैक रहा तो 4 लोड सामने वाले मिलती पीछे वाले तीन मिलती तो आपकी मेहनत पर आपका सारा खानदान बैठ कर है कमाई तो है नहीं तो नहीं तो दूसरा मैं इनाम बोला था इनाम और एक सबसे बड़ी बात है हमारे गुरशेट में 4 ट्रैक आई 1, 2, 4, 5 1, 2 की जितनी भी कुली है ये पूरी कुली आदमियों को पहुंचाता रोड 4, 5 की जितनी भी कुली है 4, 5 की जितनी भी कुली है उसमें 4 आने से शुरू होकर 60% तक इन्हें कुली ले रहा क्या बोलता मालूम मैं 8 आने लेता हूँ मैं 4 आने ले लेता हूँ करके बोलता ये पंप आदमियों को मालूम नहीं है ये 4 आने 8 आने कहते होते 50 पर 3,000 बैग्स आती एक रैक में 50 पर 3 बैग्स के 20 पर 6,500 रुपए होती ये 20 पर 6,500 रुपए में क्या करता है ना 10 से 12 जने इसके फॉलोअर्स रहती इनके फॉलोअर्स को क्या करता है ना 500,000 रुपए देगा बाकी ये पूरा जेब में डालने को जाता और इसकी कमाई पूरी आपको महीने को 4 से 4.5 लाख रुपए
इसके रोल कला ये वो सब पूरे मिला को समझो कि इंसान एक एमएलए गाड़ी में आता था, इसके पास पहनने तक के कपड़े नहीं थे। आज इन्हें 1.5 करोड़ का घर बना को है, 1.5 करोड़ का घर बना को है, किसी को किसी की भी चलने जाता नहीं। एक दूसरा मिलर्स की एक वागी इनको इन्हें 1000 रुपए लाता, 40 पौ 2 बॉक्स आती 40 पौ 2 बॉक्स में क्या करता है इन्हें 40 पौ 2000 रुपए लेता और उसमें चारा ने कुली भी लेता इन्हें एक्स्ट्रा चारा ने कुली भी लेता और क्या करता है डिस्काउंट में इसके एक आफ्ताब पिंडी बोल को है उन्हें और राजेश बोल को है जिसे अपने इसमें ऐड कर को है मेरा सेक्रेटरी बोल को मैनेजर बोल को इन्हों दो जन डबल डिस्काउंट चलाती वो एक होगा और क्या करता मालूम इससे पहले 24 आदमियों को इन्हें ले को है वो 24 आदमियों को पैसे लिया ना वो तक इसमें इससे डाल को नहीं है इन्हें अकाउंट में डाल को नहीं है और घुसेट वाले को इसका हिसाब भी देखो नहीं है। अब एक मिनट जावेद के साथ कह सकती है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने जो है 1.5 करोड़ का घर बनाया है पूरा प्रूफ है पूरा प्रूफ है कि उसके दूसरा भी कोई बिजनेस नहीं नहीं कोई दूसरा बिजनेस नहीं है पूरा प्रूफ के साथ है मतलब आपके पसीने की रोटी खा रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे पसीने की रोटी खा रहा है और आदमियों के साथ फ्रॉड कर रहा है। दूसरा 50 आदमियों को लेता है पूरे नामा के साथ हमारे पास लिस्ट है पूरे 50 आदमियों को लेने को है 50,000 रुपए लेको है और नासिर डैनी इन्हें 50,000 रुपए लेता है और नासिर डैनी जो है उसे 5 से 10,000 रुपए देना जमे तो। तीसरा और क्या है मालूम साहब 1-1 लाख रुपए आदमी रिटायरमेंट देता रिटायरमेंट दिया तो 30,000 रुपए साल के बाद रिटायरमेंट। अब इन्हों कम से कम 25 से 30 साल से काम कर को ही इन्हों 25 से 30 साल से काम कर को ही अभी तो 1 साल से 80-81वीं से तो इनके हाथ से काम करने नहीं हो रहा। कौन कौन है क्या क्या करता है सब ये यार चाहे बोलते इन्हों 4 से 5 साल से फिर ले को ही तो इनको भी इन्हों भी पूरा कानूनी कार्रवाई पूरी कर डाल रही। क्या बोलता मालूम जा कान तक जाता जा कौन भी कुछ भी नहीं कर सकता जो जा क्या करता कर करो इनको भी सच कर रहा है इनका दहेज कर रहा है कंप्लेंट कर को इसके बारे में हमें डीसी साहब के पास कमिश्नर साहब के पास जाको ही लोकायुक्त में भी जाको क्या लोकायुक्त तक जाक नहीं 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 आज इंशाल्लाह आज वहां को जाने वालों का एक तक जाने वाले ही। और एक फ्रॉड क्या करें हम क्या सभी ने 1 लाख रुपए जिसे भी देता है वो प्रूफ के साथ है मेरे पास वीडियो भी है मेरे पास इन्हें क्या कर रहा है तो 30-30 हज़ार रुपए से देना 1 लाख रुपए रिटायरमेंट 30 हज़ार रुपए ना कमीशन समझो कि 30-40% की सरकार इनकी कमीशन की सरकार एक आदमी रिटायर होने के वक्त घर को 1 लाख रुपए लेकर जाना हाँ। लेकिन उसमें से जो है 30-40 हज़ार रुपए हाँ। कट करके देता है कैसा मालूम है इसके छेले वो वीडियो क्या है मेरे पास प्रूफ है वो हम ना दे सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हो और इसके छेले जो है वो छेले क्या करती है जो डराती देख तुझे आता साथ किसके साथ हुआ ऐसा बाबू बोल को नहीं उनके साथ होगा है उनका वीडियो मेरे पास है और एक नजीरदा बोल को ही वो नजीरदा के साथ क्या करे इन्हें उनके साथ काम करने वाले उनको राचापा और एचआर राणा को 2-2 लाख रुपए देता ये नजीरदा बोल को जो रहती उनको खाली 1 लाख रुपए देता 1 लाख रुपए देता उनको मालूम होगा पंप 3 से 4 रोज के बाद इन्होंने जाती जागो मुझे पैसे देवा उनको 2-2 लाख रुपए मेरे से काम करें सो मंजे भी 2 लाख रुपए देखो तो वो इंसान गाली गलौज के साथ उनको मारने जाता उमर वाले को मरने से चारों जब बात कर लेगा नहीं वो टेम्पो में उनको बात करता हूँ तब मैं उनका वीडियो लेता हूँ वो वीडियो भी उनके पास है उसके 4 रोज के बाद उनका इंतकाल हुआ था और उनके अहलिया भी उसके बारे में इंटरव्यू देखो ही वो तक भी मेरे पास वीडियो है और इसके बाद एजाज हार्ट अटैक को इनका इंतकाल हुआ था वो इंसान को भी 1 लाख रुपए पूरे घर को नहीं पहुंचाता इन्हों क्या बोलती मालूम तुम्हारा शोहर मरने से पहले हमारे पास 20,000 रुपए उसका कुछ भी इनके पास नहीं छोड़ता प्रूफिश नहीं रहता 20,000 रुपए लेकर उनको मरेस वाले भी छोड़ते नहीं 80,000 रुपए उनको देखो ही। तीसरा वसीम बोल को लड़का 6 से 7 साल हो गए काम छोड़ को इनका फ्रॉड में बोल रहा हूँ तुमने इतना बड़ा फ्रॉड कर दी 6 से 7 साल हो गए काम छोड़ को वो इंसान के पास भी ना क्या गए महीना वो चल को है कई को उसे 25,000 रुपए में उसके दवा दारू को देखो हो उन्हें बीमार होगा था अगर को ऐसे झूठे मूठे पूरे वोचरा मनाना अज्ञान को दिखाना अज्ञान के साथ फ्रॉड करना और करोड़ों के रुपए का घपला होगा आज तक भी हिसाब देखो नहीं है कुछ भी नहीं है हिसाब पूछे हक पूछे तो बाहर
भगा दाओ तो, मार दाओ तो, कर दाओ तो। अच्छा मैं बैठ को बोल रही, हमारी जान को भी धोखा है, हमारी जान को भी धोखा है, आज नहीं तो कल हमारे ऊपर इन्हें कैसे भी कराता चे। और हम ना कुछ भी हुआ तो जो आवाज उठा रही इसकी वजह से आपके ऊपर भी हमला हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इंसान पेट पोलाथ मारता है, बाहर से लड़कों छोकरों को बुला को इन्हें गलाटे कराता है, मारने कराता है, वो वीडियो तक है मेरे पास, मारने कराता है। और यहां तक के हो क्या, इन्हें मारने कराता है, इन्हें कुछ भी कर सकता है, हमारी जान भी ले सकता है इन्हें। नहीं, अब तक अपने पूरे इल्जाम है, अल्हम्दुलिल्लाह 300 आदमी आपके साथ ही, उसमें 15 उनके साथ ही, इतना आपका बोलने का सब 300 आदमी हमारे साथ थेंगे तो क्या हो रहा मालूम, पूरे कमजोर इंसान आए सर, पूरे कमजोर इंसान आए। सुनो यार, डर को नहीं आते, कई को नहीं आते मालूम, अगर खुदा ना खास्ता उन सामने से आवाज उठाएगा तो जो इनकी हालत हो को है, जो इनकी हालत हो को, जो इनकी हालत हो को है, ऐसी हालत होती है। नहीं, इसका क्या थे, हल तो निकलना ना, हम ना इसका हल निकलने के वास्ते कानूनी 600। देखो सर, जब एक संघा हो, एसोसिएशन हो, कुछ भी एक रजिस्टर होता है तो हर साल उसका ऑडिट होना जरूरी है, तो ऑडिट रिपोर्ट लाजिम चाहिए। तो और दूसरी बात, जो बैलास में लिखकर रहता है वो बैलास के हिसाब से जो है उस एसोसिएशन को, उस संघ को चलाना पड़ता है। सब ऑडिट इन्होंने नहीं करा रही, ऑडिट हमें कराते थे कब, आज से 1.5-2 साल पहले। कौन थे सर आपके ऑडिटर, कहते भी याद है? ऑडिटर हमारे एक लॉयर थे, उनके पास हमें कराते थे, उनका इंतकाल होगा। हमें मई और अजमल ये जावेद ये यूनियन शुरू करे सो कितने साल पहले, 11 साल पहले यूनियन शुरू करे, 12 ये कल के रोज भी बात होती है, उसके आज बोल रहा हूँ सो 11 साल पहले हमें बहुत मेहनत करके दूसरे चलाते थे, उन्होंने पैसे खाते थे, बोल को इन्हें अच्छा इंसान फरिश्ता इंसान बोल को हमें ले ले गया को, ये इंसान को बिठाए। बिठाने के बाद ये इंसान ने हमला तुम्हें कपड़े खोलो नो को, दो जने अजमल और अड्डू गौस मेरा नाम है, लेकिन पुकारती हूँ अड्डू को गुस्सेट में, तुम्हें दो जने कपड़े खोलो नो को, मेंटेनेंस करो। हमें क्या मेंटेनेंस करते थे तो जो किसी के दिन मार पड़ा उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल को ले जाना, पानी का देखना, आदमी का अच्छा अच्छा बुरा देखना, एडिट कराना, जितने भी बाहर के काम रहती है पूरे काम हमें कर ले गए थे। और मैं 1.5 लाख रुपए यूनियन से लेकर रहता हूँ इंसान के पास, इनकी बेटी की शादी के टाइम पर इनको पैसे कमवा दिए, 8 दिन पहले से मेरे पीछे पड़ा था आदमी, मुझे पैसे होना, मुझे पैसे होना। मैं बोलता हूँ जावेद भाई, ये पैसे आपको यूनियन का पैसा दिए थे क्या? नहीं, यूनियन का एसोसिएशन का पैसा, तो फिर बेटी की शादी को पैसा ऐसा चूज होगा ऐसा जाती पैसा क्या करे, मैं यूनियन का पैसा ना होगा नहीं तो मुझे दे, मैं दे लेता हूँ। बोले वो 1.5 लाख रुपए मैं ले लिया, वो इंसान के हाथ में पहुंचाता हूँ। इनके साथ इनके एक दोस्त भी रहते, उनका इंतकाल होगा, इनके साथ रहता परसों। और बोलता वो इंसान हमारे कैशियर अजमल को, वो पैसे का मंजे मालूम नहीं तू मांग ले करो, ऐसा फ्रॉड। अगर हक की बात करेगा तो खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। हमना एक्शन लेना, रुपया रुपया हमारे रेलवे गुस्सेट का, हमारे यूनियन का पूरा वापस आना, और जितने भी ना 4-5 में कुली खाको है, ये कुली पूरी वापस आना, अजमेर को उनका हक उनको मिलना। तुम्हारे इस एसोसिएशन का अकाउंट किस बैंक में है? केनरा बैंक में। कौन सी ब्रांच में है? इधर तिलकनगर। उसका तुम्हारे पास अकाउंट नंबर सब है क्या? है, पूरा दे सकती, अल्हम्दुलिल्लाह दे सकती, स्टेटमेंट पूरा दे सकती है। थैंक यू सर। 20 मिनट। हाँ सब बोलो, तुम्हारा नाम क्या? सर नमस्ते सर। हाँ, नाम सुमारो 80। सर हिंदी में बोलो तुम्हारा नाम क्या? सर मेरा नाम हमें रेलवे गुड़ शेड में 80.1 साल से यहाँ तक काम कर कोई 1981 से काम कर रहे करी। हाँ। तो 2018 में छोड़ डाले काम। हाँ। हमारा उम्र होगा मेरा से काम हुआ बता रहे 2018 में छोड़ डाले छोड़ को मई लेबर ऑफिस को लेटर दिए। हमारा ऊपर ऊपर मेरा ऊपर हो गया, मेरा क्या भी सहूलत नहीं, यूनियन में काम कर को ही इतने साल से, वहां भी क्या भी सहूलत नहीं, तुम्हारा पास क्या तो भी हमारे को परियारा देव कर को पूछिए क्या भी नहीं दिया, खाली एक लेटर दिए उनका ने जाओ कर को, ये भी लेटर आकर इसमें क्या कर को ही 10 साल काम छोड़ को ही 98 में सेक्रेटरी हो कोई, वो जब से हमें हिसाब पूछिए नहीं दिए, लक्षांत रुपए लाख रुपए लूटी कर कोई, लाख रुपए लूटी कर कोई। तुमने क्या भी नहीं मिला अब तक? क्या भी नहीं मिला? कितने घर में कितने जने लोग? 4 जने।
मेरी जोरू दो जने बेटा मैं चार जने ऐसा। अच्छा। हमारा घर भी नहीं बाड़े का घर में ऐसा हमारा घर भी नहीं क्या भी नहीं खाली मुटे टोना काम करना खाली इंसाफ आदमी को सहूलत होना इसको क्या पी भी सरकार से क्या पी भी सहूलत भी देना वो सभी फाइट कर रहा हूँ कोई भी नहीं आ रहा इन्हें जा भी जो मैं देखो साहब हमारा यूनियन 1998 वहां से हमारा यूनियन मेरा नाम को रजिस्टर हो गई बैला में मुन्ना अध्यक्ष मई कार्यदर्शी वहां से यहां तक के हिसाब नहीं क्या भी नहीं पूछा तो कट काम को नहीं आना हिसाब नहीं पूछना कालू कहीं आतो आता पावा कट कर डाल तू ऐसा डराती कौन भी सपोर्ट नहीं दे रहा है हमें कितने साल से पूछना साहब हमें भी कहाँ कहाँ की लेटर दी है पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दी है लेबर ऑफिस को कंप्लेंट दी है क्या उम्र है तुम्हारी सर 69 सर तुम्हारा